अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर आफियत रखे और सबको खुशियाँ अता करें। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों को फेशियल हेयर का बहुत इशू होता है और उसके लिए वो बेचारी वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ये सब काम करती हैं, और पार्लर जाना, चक्कर लगाना, इतना पैसा भी इन्वेस्ट होता है और पेन भी बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं, दो दिन बाद फिर बाल वापस आ जाते हैं फेस के। तो आज जो मैं इसका सोल्यूशन लेके आई हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये है टिंकल का आईब्रो रेज़र है, ये इस तरह का है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और इजी तरीका है फेस के हेयर रिमूव करने का। मैंने इसके वीडियो लोगों को जो रिव्यूज़ हैं वो तरीकाकार जो बताते हैं कि फेस को ड्राई करके और वॉश करके, तो ड्राई करके तो फिर इसको आप फेस पे यूज़ करें, लेकिन इस तरह मैंने जब यूज़ किया ना तो मेरा फेस पे कट लगे, स्किन डैमेज हुई, रैशेज हुए ना, तो इसलिए मैंने अब आपसे वो तरीका शेयर करूँगी जिससे कि ये आप आराम से यूज़ भी करेंगे और आप इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं बल्कि आपको दुगना फ़ायदा होगा इसका। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इसको फेस को अपने कोई ऑयल, पेट्रोलियम जेली या ऑलिव ऑयल या जो भी आपके पास ऑयल आपको पास हो, आप उसको ना फेस पे लगाएं, उसको हल्का हल्का सा मसाज करें, उसके बाद आप इससे अपने फेस के बाल रिमूव करें। इसको आप अपने बाहर आराम आराम से चलाना है, इसे कोई कट वगैरह इतने खास नहीं लगते, कोई कट नहीं लगता, बहुत ही सेफ तरीका है ये। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम लिया था तो मैंने बहुत डर डर के इस्तेमाल किया था, पता नहीं क्या होगा स्किन पे, कैसा रिएक्शन होगा इसका, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब आप फेस पे ऑयल की मसाज करके उसके बाद इसे हेयर रिमूव करेंगे ना, तो उसका आपको दो फायदे होंगे, एक तो ये कि आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे, दूसरा ये कि आपके फेस पे जो डेड स्किन या इस तरह का कोई भी होगा ना प्रॉब्लम, तो वो भी साथ ही आपके डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी, जिससे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट और नीट हो जाएगी एकदम से। तो ये टिंकल का आईब्रो रेज़र है, ये मैंने ये भी द्रास से ऑर्डर करके मंगवाया था और आई थिंक ये 50 या 40 रुपीज़ में वन मिल जाता है ना, तो ये 3 का पैक होता है और उसमें मतलब 150 में इतने में तकरीबन आसानी से मिल जाते हैं, 85 मतलब बहुत प्राइस डिफरेंस होती रहती है, ऊपर नीचे जाता रहती है और डिलीवरी चार्जेस का भी डिफरेंस होता है, इसलिए आप ये मेरी जो प्राइजेस हैं इन पे ध्यान मत दीजिएगा। आप जब ऑर्डर करेंगे तो आपकी अपने हिसाब से प्राइस आएगी और सब कुछ अपने हिसाब से होगा। मेरा सिर्फ इसकी प्रोडक्ट को रिव्यू करने का ये मकसद था कि बहुत सी लड़कियों की हेल्प हो जाएगी जो मेरी तरह से परेशान है कि हम अपने फेस, क्योंकि इसे आप अगर डेली भी करते हो ना यूज़ तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और एक या दो दिन बाद तो बाल आ ही जाते हैं। तो मेरा जो एक मशवरा ये भी होगा कि आप अपर लिप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि अपर लिप के बाल जब स्किन के अंदर रहते हैं ना तो वो उसके वो एरिया ना फिर ग्रीन ग्रीन लगता है, अगर आप सिर्फ ऊपर से इसके ज़रिए आप उसको रिमूव कर देते हैं तो फिर भी वो एरिया ग्रीन ग्रीन रहता है। तो अपर लिप पे आप कोशिश करें, अगर आप जानते हैं तो थ्रेडिंग करें धागे से, और बाकी फेस पे इसको आराम से यूज़ करें, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईब्रो के ऊपर से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से शेप बना लें और आईब्रो के नीचे से शेप बनाने के लिए आप ट्यूज़र इस्तेमाल कर लें, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो इससे बहुत ही आसानी से फेस नीट हो जाता है और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और आप जब चाहे मतलब अचानक भी कहीं आपको जाना पड़ा है तो आपको इस बात की टेंशन नहीं कि अब मैं कैसे पार्लर जाऊँ, अपने फेस को नीट कराऊँ, ये करूँ वो करूँ, आप 1-2 मिनट लगा के फेस अपना नीट करके और आराम से तैयार होकर कहीं भी जा सकते हैं। आई होप कि मेरी इस रिव्यूज़ का आपको मदद मिलेगी आपको, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।